वेलकम स्टूडेंट्स, मैम के सामने क्वेश्चन इसमें दिया है साइन ए माइनस कॉस ए जीरो फॉर सम एक्यूट एंगल ए। तो हमें टू टेन स्क्वायर ए प्लस वन बाई कॉस ए के स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू निकालनी है। तो अगर साइन ए माइनस कॉस ए दिया हुआ है व्हेन ए एक्यूट एंगल है मींस ए विल बी लेस देन 90 डिग्री। सो नाउ वी कैन राइट साइन ए क्या हो जाएगा कॉस ए के बराबर। अब हम एंगल निकालने के लिए अगर हम कॉस ए से डिवाइड करें दोनों साइड, डिवाइडिंग बाई कॉस ए ऑन बोथ साइड्स क्या होगा, देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए इज टैन ए और ये हो जाएगा वन। इसका मतलब हुआ कि टैन ए की वैल्यू वन कब होती है, जब टैन ऑफ 45 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए 45 डिग्री है, वही एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री है इस क्वेश्चन के लिए। अब ये वैल्यू पुट करते हैं उस पर, टू टैन स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन कॉस ए स्क्वायर ए प्लस वन। इसको क्या लिख सकते हैं, टू टेन स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस वन। इसे वैल्यू रख दीजिए, टू इंटू टेन ए मीन्स टेन 45, टेन 45 इज वन, सो टू इंटू वन स्क्वायर इज वन प्लस साइन 45 डिग्री इज वन अपॉन रूट टू, सो वन अपॉन रूट टू स्क्वायर प्लस वन। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू प्लस वन प्लस वन अपॉन टू, सो वैल्यू हो जाएगी थ्री प्लस एलसीएम लिया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7/2। दैट्स थैंक्स।